नमस्कार पाल आगे जिंदाबाद, कैसे हो आप सब। बात ऐसा है कि आज से कुछ दिन पहले जब खेसारी बाइक संघर्ष पार्ट टू का ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ तो भोजपुरी इंडस्ट्री को दचियार यूट्यूबर लग गए उसमें कमियां निकालने कि इस टीजर में जो डायलॉग बोले गए हैं कि भारत के कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हो तो चुरा लिया है, दूसरे डायरेक्ट लाकर टीप दिया है, ऐसा ऐसा कमियां निकालने लगे। ठीक है, तो यहीं देखा गया है कि पवन भैया का जो है मोशन पोस्टर आया है जो ने फिल्म का नाम है हर हर गंगे। भैया उसी टीजर के मतलब उसी मोशन पोस्टर के बारे में बात करेंगे क्या जो ये मोशन पोस्टर पर रिलीज किए हैं। कौन कर्म कांड किया आओ बताते हैं इस वीडियो में, बने रहो लास्ट तक, बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। पहली बात बता देना चाहते हैं, हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लोग कमियां निकाल लेते हैं संघर्ष पार्ट टू के टीजर में, तो हम बोले आओ तनिक बार हम भी कमियां निकाल देते हैं हर हर गंगे में। कैसे लोग जो है कंपेयर कर रहे हैं संघर्ष पार्ट टू वर्सेस हर हर गंगे, बोल रहे कि हर हर गंगे जैसी मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में बनी ही नहीं है। ऐसा भी है का, आओ तनिक बताते हैं। बात ऐसा है कि 1988 में एक ठो मूवी आया था। पहले तो हम जब इसका मोशन पोस्टर देखा, अब पवन भैया पूरा जो है क्रोकोडाइल मैंने मगरमच्छ को जो है पीठ पर लादे हुए देख रहे हैं, मतलब मोशन पोस्टर दिखाया जा रहा है। जब इसका मोशन पोस्टर देखा तो हम समझ में आ गया, 1988 में एक ठो मूवी आई थी, मूवी का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। उसमें जो अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती थे, आप सबको पता है उस मूवी का जो टाइटल है हर हर गंगे और गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जो है वहाँ स्टीप लिए हैं और बाकी रह गया जो पीठिया पर गोहिया बोके हुए हैं, गोही नहीं है रे का नाम है, मगरमच्छ बोके हुए हैं उस फिल्म में पोस्टर में। उस टाइम 1988 में अमिताभ बच्चन जी का पोस्टर आया था इसी टाइप का, देख सकते हो मतलब आगे से बोके हुए हैं पवन भैया, पीछे से बोके हुए हैं, दिखा रहा है ऐसे ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा हद तक लगभग 98% जो मिल ही रहा है कि मतलब वो भी गो मतलब अपने यहाँ पे जो है क्या नाम था मगरमच्छ बोके हुए थे और पवन भैया भी मगरमच्छ बोके हुए हैं। मतलब क्या समझे तुम लोग कि मतलब अभी मोशन पोस्टर आया है और मोशन पोस्टर जो है दूसरे मूवी कॉपी किया गया है और यहाँ हम निकालने चले थे कि भैया ये जो है क्या नाम है संघर्ष पार्ट टू आया था वो दूसरे मूवी कॉपी कर लिया है, मशीन गन वाला कॉपी कर लिया है। भैया देखो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर है एक नंबर का दचियार है, वो अपने कुछ नहीं कर सकते। वो डायरेक्टर अगर बॉलीवुड में चल जाए तो बॉलीवुड वाले अपना असिस्टेंट ना रखें इन सबको, इन सबको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, कुछ भी करा देंगे भोजपुरी स्टार से। अगर यही भोजपुरी स्टार बॉलीवुड में चले जाए ना तो झंडा गाड़ देंगे, लेकिन यही जो दचियार जो डायरेक्टर लोग हैं ये बढ़िया काम नहीं कराता हमारे स्टार से, ऐसे चोरी चपाटी वाला काम करता है, तनिक उहार से चुरा लेता है, तनिक उहार से चुरा लेता है, बोलता लियो भोजपुरी इंडस्ट्री सब जब बड़ा फिल्म बना के रेडी कर दिया, ऐसा अभी तक नहीं बना है। का भाई मतलब देख रहे हो ना सब कॉपी ही तो है, थोड़ा बहुत कॉपी है लेकिन है ना कॉपी कहीं ना कहीं से, तो कमियां है कि नहीं। और बता देना चाहते हम पोस्टर देखा, पोस्टर एडिट कौन किया है, ऐसा पोस्टर एडिट किया जाता है इतना अच्छा, इससे अच्छा तो हमारे गांव जो हुआ है क्या नाम है विनोदबा वो जो एडिट कर देगा, मतलब इतना लो क्वालिटी में एडिट करने से क्या मिलता है। देखिए हमको इस मूवी से कोई तकलीफ नहीं है, हमको मूवी बहुत बढ़िया लगी है, कंसेप्ट अच्छा लगा कि कोई ट्राई कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी मूवी बनाने की। ठीक है, खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह ही है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भोजपुरी को सुधार सकते हैं। ठीक है, हमारा मानना यही है, लेकिन कमियां की बात करें तो कमियां बहुत सारे हैं, जैसे संघर्ष टू में था ऐसे इसमें भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो। 1988 में आया था गंगा जमुना सरस्वती, तब हम पैदा नहीं हुए थे, उसके 8 साल बाद तब हम पैदा हुए हैं। ठीक है, तो भाई देख सकते हो जाके, यही थोड़ी कमियां थी। पोस्टर मोशन पोस्टर देखा उसमें भी कॉपी है, जाओ चंदन उपाध्याय जी क्या है कुछ अलग कर दे। समझ रहे थे कि हम नहीं समझे कि पकड़ लिया आपका चोरी, कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हो। हालांकि आप सबका काम मानना अपना, कमेंट प्यारा प्यारा कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर मारो, बाकी आज की वीडियो में इतना है, चलते हैं, नमस्कार पालागी, नमस्कार।